आओ देखते हैं ये मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके सो वंस अगेन वेलकम क्लास 11 विद अ वेरी न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन इन अ प्लेन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो भी हमने जितनी भी टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे उसको एक बार हम फिर से मोशन इन अ प्लेन के लिए यानी कि टू डायमेंशनली पढ़ेंगे, देन उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे डिफरेंट है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। सो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें, क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स सफर्स, यानी कि उस पर जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट लगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। हाउएवर डिस्प्लेसमेंट मतलब इंटरवल ऑफ टाइम हमारा स्मॉल भी हो सकता है, बट फिर भी हम क्या कहेंगे, वो हमारी जो वेलोसिटी है वो उस समय यूनिफॉर्म है, राइट। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखें तो क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी पे वेक्टर जरूर लगाएंगे, एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन होता है आप लोग को पता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन यानी कि अगर हम यहाँ पे ये अगर हमारा एक्स एक्सिस और ये मैंने वाई एक्सिस बनाया है, ठीक है। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो ये वाला प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन आता है, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे जो भी है एक्स वाई प्लेन होता है, पूरा पूरा का पूरा ये प्लेन जो है दिस इज एक्स वाई प्लेन, यानी कि आपकी स्क्रीन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक। तो अगर आप ऐसे कंसिडर करो कि एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि वी वेलोसिटी, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से आप करो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वी के ऊपर वेक्टर लगाना मत भूलना, मैं नहीं लगा पा रहा हूँ बट आप लोग लगा लेना, इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इन एक्स वाई प्लेन, प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन हमारा, वाई एक्स प्लेन एक्स वाई प्लेन जो आपको बोलना हो, ठीक है। तो एज्यूम करो कि हमारा जो एक आर वेक्टर एट टाइम जीरो पे, ठीक है, वो इनिशियल हमारा पोजीशन वेक्टर है, और जो हमारा दो पोजीशन वेक्टर एंड, सो लेट यहाँ पे लिख दो, लेट आर एट जीरो एंड आर वेक्टर एट पॉइंट एट टाइम टी, दो पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, t इज इक्वल टू जीरो पे r वेक्टर है और t इज इक्वल टू टाइम t पे भी r वेक्टर हमारा है, दो पोजीशन वेक्टर हमने एज्यूम किया अलग अलग टाइम पे, मतलब सेम पोजीशन है टाइम अलग अलग है, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है ना, क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर की हम बात करेंगे तो v वेक्टर हो जाएगा हमारा, जो ऊपर हमने v एज्यूम किया वही v वेक्टर इज इक्वल टू, v के ऊपर वेक्टर लगाना मत बोलना मैं बार बार कहूँगा, तो v वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, r पे भी वेक्टर है एट टाइम t, ब्रैकेट हमारा क्लोज, माइनस r वेक्टर एट टाइम जीरो अपॉन में t माइनस जीरो, टाइम का भी डिस्टेंस है ना तो t माइनस जीरो। अच्छा t माइनस जीरो क्या है ये आप लोग जानते हो, t माइनस जीरो का मतलब तो t हो गया ना, सिंपल t माइनस जीरो क्या हो गया, ये आपका जीरो, t माइनस जीरो क्या हो गया, t हो गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे में, उसको हम लिख सकते हैं r एज अ फंक्शन ऑफ मतलब r एट टाइम t माइनस r वेक्टर एट टाइम जीरो। इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखें अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा r एट t माइनस r एट जीरो अपॉन टी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं v इज इक्वल टू है ना, तो v इज इक्वल टू ये हो गया, ये हम डेरिवेशन पार्ट है, ठीक है, उसको भी अप्लाई करेंगे भी तो और क्लियर होगा, तो सिर्फ डेरिवेशन पार्ट को समझना। तो t को ले जाओ लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा vt इज इक्वल टू r t माइनस r जीरो, होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसको, या फिर आप इसको r जीरो को उधर ले जाओ, r यानी कि पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो,
ये आर जीरो, ये आर पे वेक्टर है, वी पे भी वेक्टर है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सब पे वेक्टर लगाना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना वेक्टर लगाना। तो वी पे भी वेक्टर है यहाँ पे, टी पे वेक्टर नहीं है, वी पे वेक्टर है और आर पे वेक्टर है, दोनों आर पे वेक्टर है। आर जो टी के साथ है उस पर भी वेक्टर है, जीरो के साथ उस पर भी वेक्टर है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वी टी, या फिर लिख सकते हैं आर एज अ फंक्शन, मतलब टी इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में जीरो प्लस वी वेक्टर इंटू टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको इस तरीके से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, ठीक, हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके, सुनते चलना, ठीक है, जैसे जैसे आप सुनते चलना, जैसे जैसे लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, बट आप सुनते चलना। अगर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वी वैक्टर को हमको लिखना है, तो वी वैक्टर को अब इन टर्म्स ऑफ, तो वी वैक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ बताओ जल्दी। वी एक्स क्या था, वी एक्स आई कैप है ना, वी एक्स आई कैप, वी एक्स आई कैप, आई के ऊपर कैप है, मैं यहाँ पे कैप लिख रहा हूँ बट आप लोग कैप नहीं लिखना, आई के ऊपर कैप लगाना, प्लस प्लस वी वाई जे कैप, होगा कि नहीं होगा, जे कैप होगा ना, ये आई कैप जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर से जो कि डायरेक्शन बताते हैं, जैसे आई बताता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जे बताता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, माइनस जे बताएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इसी तरीके से। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, जहाँ पे जो हमारा ये तो हम वी वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, मॉड ऑफ वी लिखते हैं ना उसको, मैग्नीट्यूड को हम क्या है? और लिखते हैं मॉड ऑफ वी, मॉड ऑफ वी यानी कि दो बड़े बड़े स्लैश, मतलब दो बड़े बड़े डैश आ जाते हैं अगल बगल इस तरीके से, जैसे ये डैश दिख रहा है आपको ब्लिंक करता हुआ, इस टाइप का डैश आ जाता है मॉड वी। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, इसी तरीके से लिख सकते हैं ना, उसको क्या लिख सकते हैं, वी एक्स की पावर टू स्क्वायर प्लस वी वाई की पावर टू, लिख सकते हैं ना, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद अगर हम अगेन वापस से अपने पोजिशन वैक्टर में आएँ, पोजीशन वेक्टर वाले को भी हम इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लें, यानी कि आर जो हमारा आर वेक्टर जीरो एट जीरो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर एट जीरो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, खुद सोचो, एक्स एक्स एट जीरो प्लस एक्स एट जीरो सिंपल आएगा नहीं, उसके साथ आई कैप भी आएगा, ठीक है, एक्स के साथ आएगा आई कैप, क्या कर रहे हैं हम, केवल और केवल आई हम इसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, आई कैप प्लस यहाँ पे आएगा वाई एट जीरो जे कैप, इज इट क्लियर। अच्छा ये एक हो गया हमारा, ये तो हमने आर वेक्टर जीरो लिख दिया, इसी तरह से आर टी भी लिख लेते हैं, आर एट टी लिख लेते, पोजिशन वेक्टर एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, ये जो आर है क्या है, पोजिशन वेक्टर है ना बेटा, पोजिशन वेक्टर क्या होता है, सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोज में आप लोग को बताया हुआ है, और जो लाइव क्लास हमारी चलती थी उसमें भी कई बार बताया मैंने, तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को रट गया होगा बिल्कुल। तो ये x एट टाइम t, इज इट क्लियर, i कैप अगेन i कैप प्लस आपका ये आ जाएगा y, y में अगेन t, है ना, यहाँ पे इसको इस तरीके से साथ में लिखते हैं, अगेन ये आएगा j कैप, इज इट क्लियर, ये क्लियर है कि नहीं। उसके बाद ये हमने लिख लिया, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सब्सटीट्यूट करें इन वैल्यूज़ को इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन हमने बनाई थी ना यहाँ पे, अगर इन सारी वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, अगर हम इक्वेशन वन में इसको सब्सटीट्यूट करें तो जल्दी से बता दो, तुम लोग अपने कॉपी में लिख डालो क्या हो जाएगा, मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, आर टी की जगह लिख सकते हैं ना एक्स टी, तो लिख देते हैं एक्स टी आई कैप प्लस आर टी का जगह लिखना है ना प्लस वाई टी जे कैप, ठीक है, इतना लिखा, फिर इज इक्वल टू लिखा हुआ है, फिर आर जीरो के लिए लिख लेते हैं,
क्या है, एक्स हमारा एक्स जीरो आई कैप प्लस प्लस वाई जीरो जे कैप प्लस वी इंटू टी प्लस वी इंटू टी वी वेक्टर इंटू टी। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इज इट क्लियर? इतना सबको आ गया कि नहीं? तो इसको ऐसे ही लेने दो। चलो इसको भी चेंज कर देते हैं, वी टी को भी रख देते हैं। भाई वी टी को क्यों छोड़े, इसको भी रखते हैं। क्या रखेंगे? इसको भी हम चेंज कर देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, जो कि क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि टी तो हमारा बाहर ही है। ठीक है, अब तो ये चीज़ क्लियर होगी ना, कैसे हुआ ये? ठीक है, अब या फिर इसको हम क्या कर दें, आई वाले को एक तरफ लिख लें, जितने भी आई वाले टर्म है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक में कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, थोड़ा सा किस फॉर्म में करेंगे? अब देखो, बहुत ही आपको बिल्कुल याद आएगा, पहले आपने जो भी पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन याद आ जाएगा। जैसे ही हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं ना, उसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे देंगे। तो इसको क्या कर दो, इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दो, जो आर टी वाला है लेफ्ट साइड वाला तो ऐसे ही रहने दो। तो इसको एक्स ब्रैकेट में टी ब्रैकेट में टी ऐसे रहने दो, आई कैप प्लस आपका वाई एज अ फंक्शन टी एट टी जे कैप, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, एक्स नॉट के साथ वी एक्स इंटू टी लिख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, एक्स जीरो क्या लिख लिया, वी एक्स प्लस इसको क्या लिख लिया, प्लस क्या लिख लिया, वी एक्स और कॉमन क्या था इन लोगों के, इन दोनों में कॉमन क्या था, हमारा आई कैप कॉमन था, वी एक्स इंटू टी भी आएगा साथ में, टी भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना यहाँ पे टी। इनको ब्रैकेट में हम करके इससे मल्टीप्लाई में कर देंगे बाद में, क्या था इनका आई कैप से एक प्लस और क्या बचा हमारे पास, इसी तरीके से वाई वाला हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा वाई जीरो प्लस वी वाई टी, टी भी आएगा साथ में, क्या आ गया हमारा जे कैप आ गया कि नहीं आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू, इसको आप इक्वेशन नंबर टू मान लो। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हमने बना ली, हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है एंड वी ऑल्सो हैव इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे द कोफिशियंट्स ऑफ आई एंड जे ऑन द बोथ साइड, यानी कि हम दोनों साइड के आई और जे के कोफिशियंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से। देखो, ध्यान देखो, सिर्फ टेकिंग इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे, आई कैप एंड जे कैप, ठीक है, आई कैप एंड जे कैप, क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एट जीरो प्लस वी एक्स टी। इज इट क्लियर और नॉट? इट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, आई को इक्वेट करने से ही आया एंड जे वाले को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे वाले को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा वाई ब्रैकेट में टी इक्वल टू वाई ब्रैकेट में जीरो प्लस वी वाई टी आ गया। अब ये आया, ये है क्या, ये जो दोनों हमें इक्वेशन दिख रही है ना, ये वाली जो अभी हमने दोनों निकाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है
मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, कौन सी एक्स एक्सिस को कर रही है, ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग मोशन इन एक्स डायरेक्शन, और कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है वाई डायरेक्शन मोशन, आप जानते हो, ठीक है, मोशन अलोंग लिख सकते हैं ना, मोशन अलोंग लिखा जाता है, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन या फिर एक्स एक्सिस हम लिखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस, इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमारा क्या था, ये जो हमारा था ये था हमारा मोशन इन अ प्लेन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो ये क्या शो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन इन टू डायमेंशन, बेसिकली क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन इन टू डायमेंशन, इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी कि एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इट क्लियर? इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लगा हुआ है एक बॉडी पे, उसकी वेलोसिटी जो है एक इक्वल अमाउंट से यानी इक्वल रेट से बढ़ती ही चली जा रही है, समझ में आ रहा है, दैट इज नोन एज आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सपोज करो कि अगर आपका वी नॉट और वी वेक्टर, यानी वी नॉट वेक्टर, सपोज करो वी नॉट वेक्टर, ठीक है, वी नॉट वेक्टर एंड वी वेक्टर आर दी वेलोसिटीज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू टी, ठीक है, मतलब एक टाइम जीरो पे वी नॉट है, वी जीरो है, और टाइम टी टाइम पे वी है, सपोज करो, तो हमारा जो एक्सेलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ही तो होता है एक्सेलेशन, तो हमारा जो एक्सेलेशन वेक्टर होगा, वेक्टर जरूर लगाना बेटा ये पे, एक्सेलेशन वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, हमारा वी माइनस वी नॉट अपॉन में वी माइनस वी नॉट अपॉन में क्या आएगा बेटा बताओ, हाँ वेरी गुड, अपॉन में आएगा टी माइनस जीरो, ठीक है, टी माइनस जीरो, इज इट क्लियर? यही होता है हमारा एक्सेलेशन का फॉर्मूला। ठीक, क्लास 9th में हमने यही चीज़ पढ़ी थी, क्लास 11th में कोई नई चीज़ तो नहीं, बस हाँ यहाँ पे एक नया चीज़ ये आया कि हम टाइम इंटरवल की बात करने लगे, जो हमने क्लास 9th में जो भी हमने मोशन में एक्सप्रेशन पढ़े थे एक्सेलेशन वेलोसिटी ये सब का, वहाँ पे हम इनिशियल टाइम हमेशा जीरो मान के चले थे, बट यहाँ पे हम इनिशियल टाइम को जीरो ना भी माने तो कुछ टाइम हो सकता है, मतलब उसको भी मान के चलते हैं, एक टाइम इंटरवल की बात होती है, तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन किस में बदल जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन इस तरीके से बदल जाएगा कि वी हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, सब पे वेक्टर है बेटा, याद रखना इस चीज़ को, वी भी वेक्टर है, वी नॉट भी वेक्टर है, और ए पे भी वेक्टर है। अगर हम जो अबव जो हमने इक्वेशन लिखी है उसको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, खुद सोच रहे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप होता है, जैसे वी वेलोसिटी वेक्टर को, वी को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज कर लीजिए, सपोज करो कि वी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखते थे हम ये, ठीक है, यही लिखते आ रहे थे ना हम। ठीक, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट इट लाइक दिस दैट, इसको हम मतलब अबव इक्वेशन को अगर हम जो ये हमारी जो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें, तो हम v वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बार बार नहीं बोलेंगे बट आप लोग समझ जाओ कि v वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और v नॉट वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं, जो v नॉट वेक्टर है हमारा उसको किस तरीके से लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, ठीक। और एक्सेलेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक्सेलेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इज इट क्लियर? मतलब काफ़ी ईजी है, ठीक है, इस तरीके से तो सभी लिख सकते हो। अब हम इसको इस इक्वेशन में जब रखेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसे बदल जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अगेन, इसको मैं जल्दी कर देता हूँ थोड़ा। तो हम इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं कि ए वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, कैसे चेंज हो जाएगी हमारी इक्वेशन, कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी कि ये हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप, ये वाला इज इक्वल टू दिस वन, इसको यहाँ पे लगा प्लस दिस, ठीक है, प्लस दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इज इट क्लियर? सो अब जो है ये हमने इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, ठीक। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और किसके फॉर्म में लिखेंगे, लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ेंगे, राइट साइड को ही थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो हमारा जो आई वाला है हम उसको एक तरफ लिख देंगे और जे वाले को एक तरफ लिख देंगे, जैसा कि पिछले बार किया था, के बाद भी वैसे ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी ओ एक्स वी नॉट एक्स प्लस वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। और यहाँ पे टी भी थोड़ा मल्टीप्लाई, टी तो हमने लगा ही, तो टी लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी भी था तो हम टी को भी लगाना होगा, यहाँ पे टी भी था हमारी इक्वेशन में, अगर हम ध्यान दें ई वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम इस चीज़ को रखें, इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे दे रहे हैं, हमने सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में रखा। हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि वी एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है, ए एक्स आपका बाहर जो आएगा वो आएगा आई कैप, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा आई कैप प्लस फिर ब्रैकेट में आएगा आपका वी नॉट वाई प्लस ए वाई ब्रैकेट क्लोज बाहर आ जाएगा जे कैप, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हमें ये इक्वेशन पिछले वाले की तरह मिल गई। अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों के कोफिशियंट्स को, आई और जे के कोफिशियंट्स को, और लेफ्ट साइड से थोड़ा मैच करेंगे, तो इक्वेटिंग ओनली कोफिशियंट्स, इक्वेटिंग अगेन coefficients of क्या i and j cap, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा v x is equal to, क्या मिलेगा v x is equal to v not x plus a x, ठीक। and दूसरी चीज क्या मिलेगी हमें, v y is equal to v not y plus, आप लोग बोलो a y, ठीक है, साथ के साथ बोलते चलो, जब भी कुछ लिखा जा रहा है साथ के साथ बोलते चलोगे आपके दिमाग में भी लर्न होता चला जाएगा आप लोगों को वहां से। नाउ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, vx is equal to v not x plus ax t, और t तो ऑब्वियसली आएगा ही, यहाँ पे हमको t लिखना, t भी लिखेंगे, t है यहाँ पे इक्वेशन में, बार बार हम t को मिस कर दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी t आएगा और यहाँ पे भी t आएगा, ठीक, क्योंकि t यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से हमारी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। इस इक्वेशन को आप चाहे नाम देते हो चाहे ऐसे रखेंगे, बट अब जो ये दोनों इक्वेशन है, जो वी एक्स और वी वाई वाली इक्वेशन है, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इन अ प्लेन, ठीक है, और डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन time as if it were the velocity vector of one dimension uniformly accelerated motion only। मतलब देखो
ध्यान से देखोगे ना तो ये मोशन इन 1D का इक्वेशन नहीं लग रहा, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये इनिशियल वेलोसिटी ना, वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरीके से तो वी देखो इस तरीके से हमारा अलग, मतलब जैसे हमारा 1D में जो 1 डायमेंशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती थी उस हिसाब से उसको कंपेयर करें तो यहाँ से ये मैच हो रही है, इज इट क्लियर? ओके, तो इसी तरीके से हम और आगे करेंगे। देखो अब हम पढ़ रहे हैं ना एक्सप्रेशन, हम ऐसा एक निकालेंगे पोजीशन वेक्टर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है? तो कंसीडर करो कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए वेक्टर से, ठीक है? सपोज कर लो ए वेक्टर से एक कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन कितना है ए, ए वेक्टर के बराबर, ठीक है? सपोज करो आर नॉट और आर एक पोजीशन, ठीक है? एंड सपोज ए क्या है आपको पता है ना, ए इज द पूरा लिख देते हैं, कंसीडर पार्टिकल, पार्टिकल क्या बॉडी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऐसा लिख, कंसीडर एन, कंसीडर पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि कितना है ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इसको इस तरीके से लिखें। एंड सपोज आर नॉट, जो आर नॉट है, ठीक है, सपोज करो आर नॉट एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, अब आप जानते हो आर जीरो और आर टी कब होता है, बी इट्स पोजिशन वेक्टर्स एट टाइम जीरो एंड टी, एट टाइम जीरो एंड टी, ठीक है, टाइम जीरो एंड टी, इतनी चीज क्लियर है? उसके बाद अब हम आते हैं इस पे, वापस इसमें आते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, और मतलब एक कंसीडर करो कि लेट द वेलोसिटीज एट दिस इंस्टेंट्स वी वी नॉट एंड वी, यानी कि इस पोजीशन वेक्टर जो आर नॉट है उस इंस्टेंट पे जो हमारी, एंड लेट द वेलोसिटीज एट एन इंस्टेंट, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंस, इंस्टेंस बी बी आर नॉट पे जब कितनी, जब आर नॉट उसकी पोजीशन है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, सपोज कर लो वी नॉट, एंड जब आर है तो उसकी वेलोसिटी वी है, सपोज कर रहे हैं, ठीक, इतनी चीज क्लियर है? अब हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे, हमें पता है ना डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, इज इट क्लियर, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अब तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो मैंने लास्ट वीडियो तुम लोगों को भेजी थी, उसमें लास्ट टू लास्ट वीडियो, मतलब उसके पिछले क्लास की वीडियो में भेजा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई, तो दो पोजीशन वेक्टर अगर आर टू आर वन है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, आर टू माइनस आर वन रिजल्टेंट वाला, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ये किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी, और हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, याद करो हमने एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है वी नॉट वेक्टर प्लस प्लस वी वेक्टर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाय, तो मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ऐसा ना लगे कि सिर्फ वी से ही टू डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड बाय टू है, इज इट क्लियर, ठीक है, वी डिवाइड बाय टू हो गया, इनटू टाइम, इनटू टाइम इंटरवल है ना एक्सप्रेशन में, इनटू टाइम, ठीक, अभी तक हमें यहाँ सब कुछ क्लियर है, उसके बाद
इसको हम अगर ब्रैकेट को थोड़ा सा खोलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट एज, हम वी के जगह पे थोड़ा सा इसको देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेंगे, वी नॉट इसको लिखे रहेंगे प्लस ये जो वी है इसको हम क्या लिख सकते हैं वी नॉट, अभी हमने मतलब निकाला था ना, वी के जगह हम क्या लिख सकते हैं वी नॉट प्लस ए वी नॉट प्लस ए वेक्टर इनटू टी, अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीक मतलब से लास्ट वाले टॉपिक में भी हमने ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टाइम, अभी तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, आवर इक्वेशन विल बिकम एज, इसको हम अगर इस तरीके से लिखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v नॉट इंटू टी प्लस v नॉट इंटू टी प्लस प्लस 1/2 वेक्टर a t का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपनी इक्वेशन को, इज इट क्लियर। आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ टाइम का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और दो पार्ट में लिख दिया और ठीक है हाफ को बाहर ले लिया, उस तरीके से फ्रैक्शन को अलग अलग फॉर्म में लिख दिया, मतलब मिक्स फ्रैक्शन था पूरा एक, हमने उसको दो पार्ट में लिख दिया, दैट्स इट, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जा रही है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जा रही है आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू ये वाली पूरी इक्वेशन जो ये हमारी लिखी हुई है, ठीक है। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ रही है, अब हम क्या करेंगे r को यहीं लिखे रहने दो, r वेक्टर को, r नॉट वेक्टर को उधर ले गए तो क्या हो गया हमारा r नॉट वेक्टर प्लस में आ जाएगा प्लस v नॉट प्लस v नॉट इंटू टी सॉरी v नॉट इंटू टी प्लस हाफ a t का स्क्वायर, इज इट क्लियर। ये वाला एक्सप्रेशन सबको क्लियर होगा, क्या किया सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन आई है दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल एट टाइम टी, तो ये क्या दे रही है, ये पोजीशन दे रही है उस पार्टिकल का, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ये जो इक्वेशन हमारी आई है ये वाली इक्वेशन, ये क्या दे रही है, दिस इज द इक्वेशन विच इज गिविंग द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल एट जबकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल है किस टाइम पे, टी टाइम पे, ठीक। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखें तो थोड़ा सा लंबा होगा, बट हमें पता है एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिखा जाता है इन सारी इक्वेशंस, ठीक। तो हम क्या नीचे लिख सकते हैं इसको, इसको हम नीचे लिख सकते हैं, अगेन क्या होगा आर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ठीक है। ये आर हमने आर नॉट को लिख लिया रेक्टेंगुलर टर्म में, प्लस क्या बचा हमारे पास, अब वी नॉट को लिखना, तो वी नॉट एक्स आई कैप इंटू टाइम भी है साथ में तो इंटू टी प्लस वी नॉट वाई इंटू जे कैप एक और टाइम इनके पास टी, ठीक। प्लस उसके बाद बात आई हाफ, हमने लिख दिया हाफ, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर ब्रैकेट क्या ही लगाएं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हुए लिखेंगे ए एक्स आई कैप टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ ब्रैकेट हमने मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए वाई जे कैप टी का स्क्वायर, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। हमने इसको इक्वेशन को खोल के लिख दिया, अब हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई और जे के इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आई और जे के कोफिशियंट्स को, ठीक है। सो नाउ इक्वेटिंग ओनली
coefficients of I and J we get, हमको क्या मिलेगा? बस सिंपली क्या करना है, I और J के इक्वेट कर देना, तो ये हमारा जाएगा x is equal to x naught, x is equal to x naught plus, और हमारा I वाला कौन सा है, v naught x t, v naught x t plus, और हमारा I वाला कौन सा पार्ट है, प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया. इसका आ गया हमारा एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया ये जब हमने आई के कोफिशिएंट को किया, इसी तरीके से वाई का भी आ जाएगा, सिमिलर आएगा बिल्कुल, बस यहाँ पे सारा वाई वाला कंपोनेंट आने लगा, प्लस ये आएगा वी वाई, ठीक है, वी नॉट वाई, वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर. ठीक, सबको ये बात क्लियर है? चलो अगेन, तो ये जो दोनों इक्वेशन मिली हमको, ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये शो करती है मोशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि जो मोशन एक्सिस में हो रहा है उसको हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं, और हम वाई जो वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको भी हम अलग से ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, दोनों ही मोशन अलग अलग हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में. सो ये एक ही पार्टिकल का मोशन है, बट एक ही पार्टिकल का एक अगर हम एक्सिस में मोशन देखें वो अलग तरीके से डिटरमाइन हो रहा है, और दूसरे एक्सिस में अलग इक्वेशन से वो डिटरमाइन हो रहा है. तो दोनों अलग अलग इक्वेशन से डिटरमाइन हो रहा है, कोई एक सिमिलर इक्वेशन नहीं. ठीक, सो द मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी ट्रीटेड एज सुपरपोजिशन ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि जो मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इस पार्टिकल का, एक प्लेन की अगर हम बात करें टू डायमेंशन की बात करें तो वो क्या होता है, एक तरीके का सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन यानी कि मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियस यानी कि एक ही टाइम पे होने वाले वन डायमेंशनल मोशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कौन कौन सा, एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है ना दोनों, इसीलिए. ठीक है, तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हमें यही डिस्कस करनी थी. उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, जैसे कि अगर हम पोजिशन वेक्टर अगर हम आर लेके चल रहे तो ये हमारी आर की पोजिशन वेक्टर, हम जैसे पहले लिखते आ रहे थे वैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर टी का स्क्वायर. ठीक है, वेक्टर लगाना नहीं भूलेंगे, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, सो हमें अब सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब हमारे पास जो बच रहा है वो से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग का केस बच रहे हैं, तो अभी के लिए आप इतना पढ़िए, उसके बाद